फाइनली मैंने जियो 5G को खुद से अपने फ़ोन में टेस्ट किया और जो स्पीड निकल के सामने आई इट वॉज अमेजिंग। ओ माई गॉड, मतलब कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जियो 5G का नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है। पूरी वीडियो देखना, हर एक चीज़ कवर करेंगे इसमें कि क्या जो एक्चुअल में स्पीड जियो दिखा रहा है जियो 5G, वो हमें डाउनलोडिंग स्पीड एकदम बढ़िया वही चीज़ मिलती है या फिर ये ओनली स्पीड टेस्टेड पे दिखा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक का देखना, हर एक चीज़ कवर करूँगा, दिखाऊँगा पूरा। उससे पहले हे गाइस, दिस इज़ प्रीत और आप देख रहे हो प्रीत टेक टिप्स यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं जियो 5G। ओ माई गॉड, मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड है ना इसकी। अगर आपके पास नेट प्लस है या फिर BSNL फाइबर है तो उसकी स्पीड भी इतनी नहीं है। मेरे पास दोनों चल रहे हैं, 100 से आगे नहीं जा रही। या तो फिर हमारे जो प्लान हैं वो कम होंगे थोड़े, वैसे 550 वाले प्लान यूज़ कर रहे हैं हम, जो हमारा नेट प्लस है या BSNL है फाइबर। लेकिन जियो में अभी मेरे फ़ोन में लोकल पहले वाले रिचार्ज चल रहे हैं, जैसे 1.5 GB, 2 GB पर डे वाला। और मैंने जो स्पीड टेस्ट की, हमारी सिटी में ये लॉन्च हो चुका है 5G, इसकी टेस्टिंग चल रही है। मेरे से पहले ही बहुत सारी वीडियोस लोगों ने बनाई होगी, लेकिन जो मतलब खुद से जो एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब इट वाज अमेजिंग यार, क्या मतलब क्या बताऊं मैं, इतनी ज़्यादा स्पीड। बट एक चीज़ अभी भी इसकी मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, वो क्या है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले देखते हैं जियो 5G की जो मतलब डाउनलोडिंग स्पीड निकलती है। ओकला स्पीड टेस्ट पे मैंने ये टेस्ट किया और जो अपलोडिंग निकलती है उस चीज़ को देखते हैं। आप वीडियो में देख सकते हो साथ में। तो जैसे ये अभी मेरी सिटी में मेरे घर तक इसकी रेंज नहीं आई है, ये मैं कहीं गया था तो वहाँ पे कुछ सिटीज़ हैं जो बड़ी सिटी हैं, जैसे पंजाब में बड़ी बड़ी सिटी हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ प्रॉपरली वर्क कर रही है। हो सकता है कुछ टाइम तक हमारे यहाँ भी आ जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने ओकला स्पीड टेस्ट पे जियो 5G की स्पीड टेस्ट की, जो डाउनलोडिंग स्पीड थी वो तो 900 तक गई। ठीक है, 900 तक गई। ठीक है, तो जो मतलब इसकी अपलोडिंग स्पीड है वो 50 के आसपास रही। तो पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा कम, क्यों कम से कम 500-400 तक तो जानी चाहिए ना। इसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मतलब मेरा खुद का ये थॉट है कि इतनी तो होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको टेस्ट करने के लिए, जैसे ओकला स्पीड टेस्ट पे तो पूरा दिखा रहा है, लेकिन मैंने चाहा चलो इसका एक प्रैक्टिकल भी किया जाए ना। तो प्रैक्टिकल में मैंने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, उसमें मुझे कोई इतना मतलब डिफरेंस नहीं लगा। पता नहीं चला कि 4G से हुआ या मतलब 5G की स्पीड से हुआ। तो फिर मैंने एक मूवी डाउनलोड करके देखी, ऐसे ही कोई भी कर ली डाउनलोड, आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन में लगा दूंगा। तो जब मैंने मूवी डाउनलोड की तो उसकी स्पीड मुझे जैसे पहले 4G की मिलती है उसी तरह की स्पीड मिली। मतलब 5G की जैसे 900 तक जा रही थी, मुझे लगा था कि झट से हो जाएगी, लेकिन उसको भी थोड़ा टाइम लगा। या तो फिर अभी ये टेस्टिंग चल रही है ना, तो धीरे धीरे जब पूरा प्रॉपरली हर एक जगह जियो 5G या और भी 5G हर एक नेटवर्क शो होने लग जाएगा 5G का, तो फिर ये चीज़ मतलब प्रॉपर वर्क करेगी। इसके बारे में मुझे अभी पूरा नहीं पता चला, लेकिन फिर भी जब ये स्पीड दिखाता है ना, मतलब बड़ा अच्छा लगता है यार, कितनी स्पीड, मानो झट से काम हो जाएंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी होगा, वो क्या होगा कि मतलब हमारी जो MB है वो फट से ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो बस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना यार कि मतलब कैसी लगी ये स्पीड देख के। हो सकता है पहले आपने और वीडियोस देखी हो, लेकिन फिर भी एक अलग सा मज़ा होता है कि मतलब खुद से वीडियो बनाए या फिर खुद से जो चीज़ देखी है उसको कवर करें ना वीडियो में। मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको हर एक चीज़ टेस्टली पूरी रियल तक बताऊँ, है ना। तो कितनी बेसब्री से आप भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, और किस किस सिटी में कौन कौन मेरे फ्रेंड यूज़ कर रहे हैं 5G, वो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।